इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे पहले सपना, वैसे तो हमारे बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने देखा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत था, ऐसा नहीं हम कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, भारत एक भारत था और भारत श्रेष्ठ भारत था, और श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठतम भारत था, श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वोत्तम भारत था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, गुलामी की मानसिकता ने हमें अपने जड़ों से काट दिया, गुलामी की नीतियों ने इस देश को कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर डिवाइड कर दिया। और दुख तो इस बात का है कि अंग्रेजों ने तो सारे के सारे कानून बनाए इस देश को डिवाइड एंड रूल करने के लिए, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून बनाए गए डिवाइड एंड रूल करने के लिए। जिनको सर्वोत्तम कानून बनाना था उन्होंने जातियों के आधार पर भारत को बांटने के लिए कानून बनाया, जिनको देश को एक देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए कानून बनाना था उन्होंने क्षेत्र के आधार पर भारत को बांटने के लिए कानून बनाया। और आज भी मेरे हाथ में यह लिस्ट है अंग्रेजी कानूनों की, आज भी चल रहे, 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है। अगर यह इंडियन पिनल कोड इतना अच्छा था 1860 में मैकाले के द्वारा बनाया गया, तो किसी अंग्रेज को सजा क्यों नहीं हुई? जलियांवाला बाग में गोली चली थी कि नहीं, बोलिए जरा, किसी अंग्रेज को सजा हुई? लाल बाल पाल को फांसी गलत तरीके से दी गई, किसी अंग्रेज को सजा हुई? लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा, किसी अंग्रेज को सजा हुई? तिलक को लाठियों से पीटा, किसी अंग्रेज को सजा हुई? अरे ये कानून वीर सावरकर को काला पानी देने के लिए बनाया गया था, ये कानून इस देश को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था, इस देश में अपराध कम करने के लिए इंडियन पिनल कोड नहीं बना था, इस देश को जोड़ने के लिए इंडियन पिनल कोड नहीं बना था, इस देश को लूटने और बांटने के लिए इंडियन पिनल कोड बना था। जज भी उनके थे, कानून भी उनका था, ज्यादातर वकील भी उनके थे, इसलिए जो व्यक्ति आजादी की थोड़ी सी बात करे उसको उठा के जेल में ठूस दो, सजा दे दो, इसलिए कानून बनाया था। तो सबसे पहली ड्यूटी थी आजादी के बाद हमारे सरकारों की कि कम से कम मुगलों के द्वारा बनाई गई नीतियों को खत्म करें और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करें, यही तो उनकी ड्यूटी थी। किस लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है? इसी काम के लिए, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी विचार, स्वदेशी कानून, स्वदेशी नियम, स्वदेशी सब कुछ। और मैं तो कहता हूं यह संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने 20 देशों का संविधान पढ़ा था, 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को कॉपी भी किया, अमेरिका के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को लिया, कनाडा के संविधान को लिया, ऑस्ट्रिया के संविधान को लिया, रूस के संविधान को लिया, ऐसे 10 देशों के आयरलैंड के संविधान को लिया, तो 10 देशों के संविधान की कुछ भी कुछ चीजें उन्होंने चीजें उठा के इसमें डाल दिया। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाने के पहले 20 देशों का संविधान पढ़ सकते हैं, 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को कॉपी कर सकते हैं, तो हमारी आजादी की बाद की सरकारों ने क्यों नहीं कोई भी कानून बनाते समय 10 देशों के संविधान को, 10 देशों कानून पढ़ा? इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मात्र 7 साल, फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मिनिमम 50 ईयर, मैक्सिमम 100 ईयर। अंतर देखिए जरा, इंडियन पिनल कोड में मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर। अपहरण कर लीजिए कम से कम 3 साल सजा होगी, ज्यादा से ज्यादा 7 साल सजा होगी। फेडरल पिनल कोड में अपहरण की कम से कम 50 साल और अधिकतम 100 साल।
हमारे यहां एक को किडनैप किया तो भी 7 साल, 2 को किया तो भी 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल। अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में एक को किया तो मिनिमम 50 साल, 2 को किया तो मिनिमम 100 साल, 3 को किया तो मिनिमम 150 साल, 4 को किया तो मिनिमम 200 साल। अब बताइए किडनैपिंग कहां कम होगी, भारत में क्या अमेरिका में? तो वो जो सेक्शन 363 है इंडियन पिनल कोड का, जिसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, उसमें अमेरिका की तरीके 50 से 100 साल करने की कोई लागत है क्या? कोई लागत है? तो बिना किसी लागत के किडनैपिंग कम हो सकती है कि नहीं? सीधी सी बात, इंडियन पिनल कोड में मर्डर की एक धारा है 302, काफी लोग सुने जानते भी होंगे, एक धारा है 300। कैसे भी मर्डर करो, गला दबा के मर्डर कर दो, गोली मार के मर्डर कर दो, टुकड़े टुकड़े करके मर्डर करो, गला रेत के मर्डर करो, आफ्ताब की तरीके 35 टुकड़े करके मर्डर करो, वो दिल्ली में अंजलि को जैसे बस के नीचे, कार के नीचे घसीट के मर्डर करो, जैसे भी करना है करो, सजा केवल आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। एक को मर्डर करो तो भी आजीवन आजीवन कारावास, दो को करो तो भी आजीवन कारावास, तीन करो तो भी आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब 14। फांसी होती नहीं है, फांसी तो आप बताइए पिछले 20 साल में कितने लोग फांसी हुई, हुई क्या? कितने लोग हुई? अब धारा एक है, मर्डर कैसे किया उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो सारा कुछ डिपेंड करेगा जज के ऊपर और वकील के ऊपर। जज वकील मिलके जैसा डिसाइड कर लेंगे, किसी को आजीवन कारावास, किसी को ये, किसी को रेयर, किसी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जैसा करेंगे कर लेंगे। फेडरल पिनल कोड में मर्डर का एक चैप्टर है, धारा नहीं चैप्टर है, उस चैप्टर में 10 धाराएं हैं। किलिंग अलग, मर्डर अलग, जेनोसाइड अलग, हेट क्राइम अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, टुकड़े टुकड़े करके मारा अलग धारा, गला रेत के मारा अलग धारा, गोली से मार दिया अलग धारा, गाड़ी चढ़ा के मारा अलग धारा, फांसी दे दिया अलग धारा। तो जहां मर्डर कैसे हुआ उसकी 10 धारा है, मर्डर की प्रक्रिया डिफाइंड है, ऐसे वाला मारा तो ये धारा, ऐसे वाला इस तरीके मारा तो ऐसे धारा, तो जज चाह के कुछ कर सकता है क्या? बोलिए जरा, कुछ कर सकता है? जब नूपुर शर्मा वाला केस हुआ था, उसके बाद उदयपुर में कन्हैया तेली का मर्डर हुआ था, सबने देखा होगा, उस कन्हैया तेली के हत्यारों को भारत में आजीवन कारावास होगा, और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल, और वो 14 साल सजा होने में कम से कम 20 साल लग जाएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर राष्ट्रपति से दया याचना, दया याचिका भी होती है, वो भी चलेगी। तो 25-30 साल के बाद सजा कितनी होगी? 14 साल की। अगर कन्हैया तेली अमेरिका में होते और हत्यारों ने जिस तरीके से यहां मारा, तो फेडरल पिनल कोड के हिसाब से उनको 550 साल सजा होती। कितने साल की? अब बताइए मर्डर भारत में कम होगा अमेरिका में कम होगा? एक व्यक्ति ने मेक्सिको में चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को लूटा था। चिटफंड समझते हैं ना, एक लगाओ डबल पाओ वाली जो योजना होती है। चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों का पैसा लेके चंपत हो गया। भारत के में एक सहारा श्री है, उनको श्री करके बोलते हैं, सहारा श्री, मतलब जरा सोचिए, यहां बेईमानों को, गद्दारों को, लुटेरों को श्री लगा देते हैं, सहारा श्री। 16 लाख लोगों का पैसा लेके वो भाग गया। 16 लाख गरीब आदमी जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, किसी ने पेंशन, किसी ने वेतन, किसी ने कुछ लगाया था, सब गया। उस श्री को 16 साल की भी सजा नहीं हुई। और मेक्सिको में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों का लूटा था, उसको 1,41,000 साल सजा हुई है। कितने साल की? जरा जोर से बोलिए। आप बताइए चिटफंड का स्कैम वहां बंद होगा यहां बंद होगा?
यहां तो चिटफंड स्कैम करने वाले सांसद विधायक बन जाते हैं। भाई 500 करोड़ का स्कैम किया, 50 करोड़ में टिकट खरीदा, 50 करोड़ चुनाव पे खर्च किया, 100 करोड़ में पहुंच गए लोकसभा या विधानसभा, तो 400 करोड़ तभी बचा हुआ है ना। और एक बार लोकसभा विधानसभा पहुंच गए तो फिर तो पुलिस ऐसे ही जांच करती रहेगी, ऐसे ही करती रहेगी। इसलिए इस देश में जितने बड़े लुटेरे थे उनको सजा हुई नहीं, वो अपने आप ही चले गए, तब जाकर उनका मुकदमा अपने आप खत्म हो गया, उनके जीते जी उनको सजा ही नहीं हुई। अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था। अच्छा, वहां सजा का भी क्या है, अगर आपने अपराध रिपीट कर दिया तो सजा आपकी 5 गुनी हो जाएगी। शर्ट चुराने की 5 साल की सजा है, लेकिन चूंकि उसने दूसरी बार शर्ट चुरा लिया तो 20 साल सजा हो गई। तो एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया तो उसको 20 साल सजा हुई। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को 20 साल सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 20 साल सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 20 साल सजा नहीं हुई। अंतर क्या है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादा अच्छे हैं, बोलिए जरा। तो वहां अपराध कम क्यों है, बस सीधी सी बात है।